अबे अल्लाह मेरी तोबे, शेर है तंदूर, आग बरस रही है। मुझसे पूछो, पूरे घर के कपड़े काम वाली के साथ लगकर धुलवाए इतनी गर्मी में। अम्मी से सलाम है आपको। सलाम के बच्चे, दिन में चार चार दफा कपड़े मैले करके फेंकना बंद कर, मेरी हड्डियों में इतनी जान नहीं है। अबे तू कौन सा हल चलाती है, काम वाली से धुलवाती है ना, खुद तो बस खड़े होकर ऑर्डर देना होता है। अब काम वाली तो सुपरमैन है ना। है क्या, हर वक्त दर पर खड़ी सुंदक लेती रहती है। जा जल्दी कपड़े इस्त्री कर, नहीं तो फिर लाइट चली जाएगी। यार पता करो जरा गूगल से, बारिश है इस महीने या नहीं। खुदा के पना हो ही ना जाए। अब्बू गूगल तो बता रहे आज ही है बारिश। अबे तेरे पास फोन कब से आ गया आपका है। अरे ये दबीर जल्दी अच्छे अच्छे कपड़े उतार ला, इतनी मेहनत से धोए सारे खराब हो जाएंगे। अम्मी टेंशन ना लो, गूगल सटे आ गया। दबीर नेट नहीं आ रहा, लाइट चली गई है। बेड़ा कर किन बिजली वालों का, बारिश अभी शुरू नहीं, लाइट अभी से ही चली गई। बा कौन सी बारिश है दबीर, छत से कपड़े ले आ, बता रही हूँ मैं। अम्मा कोई बारिश नहीं हो रही, देखे तो सही साफ आसमान है। तू तो गया बेटा, कहा था उतार ले कपड़े। फरजाना जा जल्दी से कपड़े उतार ले छत से। ओ फरजाना। हाय रे बाजी, कपड़े कौन सा मैंने निचोड़ कर डाले थे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो का अनुमान उन टॉपिक्स में से है कि जिसकी फरमाइश आप लोगों की तरफ से इस कसरत से की गई कि इस पर गुफ्तगू एक फौरी जरूरत बन गई थी। बारिश का जिक्र हो और इससे मुतालिक बचपन की याद ना आए, ये मुमकिन ही नहीं। तो आज की मंतक के गुफ्तगू का आगाज करते हैं उन सुनहरे दिनों से। आज तो बारिश हो रही है अब्बू। फिर तो स्कूल कैसे जाऊंगा, रास्ते में पानी खड़ा होगा बहुत। तुमने कौन सा पैदल जाना है। लेकिन वो स्कूल वैन बंद हो जाएगी पानी में, मगर बस फिर क्या हो सकता है। छुट्टी करो आज। ये थैंक यू। काम कर्ज नहीं होगा, मैं भी छुट्टी करूंगा। हाँ ठीक है। yes, अच्छा अच्छा बस बस, बच्चे कितने मासूम होते हैं। बरसात का मौसम में मैं घर से निकल आया, बोतल भी उठा लाया। आराटी आराटी मामा, बारिश में नहाने जाऊं? कोई जरूरत नहीं है। प्लीज भाई। मगर क्यों मामा, ठंड लग जाएगी। गर्मियां हैं, कौन सी ठंड, पानी में जरा सीम होते हैं। बारिश का पानी तो साफ होता है मामा। और नहीं तो तुम पर भी बिजली गिर जाएगी, फिर पूरे शहर में से सिर्फ मुझ पे ही गिरेगी। नहीं बेटा, बारिश से नहाने से सर में जुएं आ जाती हैं। हमें बस कर दे। अच्छा आप बचपन में नहीं खेलती थी बारिश में, बहुत तो हमें क्यों मना कर रही है। पता नहीं ऐसे। वाह यार। अब आई समझ। ओके क्लास, सेटल डाउन, अपनी अपनी किताबें निकालें, चैप्टर 5 खोलें। छोड़े ना सर प्लीज, आज ना पढ़ाएं, मौसम देखिए कितना टाइट हो रहा है। आपका तो रोज का है बेटा, गर्मी हो सर्दी हो बारिश हो, आपको तो ना पढ़ने का कोई ना कोई बहाना चाहिए। सर काशिफ को देखे, रोमांटिक हो रहा है। व्हाट नॉनसेंस काशिफ। सर मौसम की मुनासिबत से अपने महबूब के कोई किस्से ही सुना दें जवानी के। सर ये कौन सा वक्त है क्लास में आने का, और ये क्या हाल बना रखा है। सर वो बारिश की वजह से लेट हो गया, गाड़ी डूब गई थी। अरे जोड़ बोल रहा है, इसका बैग है, देखिए गर्ल सेक्शन गया था चाय पीने। क्लास सर अब तो लाइट चली गई, आज ना पढ़ाएं। यस सर, यस सर, यस सर। पढ़ाई तो आज होगी। ऑल ऑफ यू बेव योरसेल्फ। सर आ जाऊं। आ जाए। सर मौसम बहुत टाइट हो रहा है, गरम गरम समोसा चाय हो जाए। अच्छा थैंक यू बेटा। पार्टी करो बॉयज, आज की पढ़ाई कैंसिल। सबसे बड़ा इस्तराब का आलम तो उन वालदाओं के लिए होता है जो अभी अपने घर की सफाई से फारिग हों और यहाँ से आंधी चल पड़े, और फिर वो पूरे घर की दरवाजे खिड़कियाँ बंद करवाने भागती फिरती हैं। ये क्या था, आंधी चल रही, लगता है बारिश होने वाली है। क्या वार्निंग वार्निंग, दरवाजा बंद करो, मोड एक्टिवेटेड। दरवाजा बंद करो, मट्टी आ जाएगी। रहने दे अम्मी, हवा चलेगी तो घर ठंडा हो जाएगा। नहीं कहा ना दरवाजा बंद करो। मौसम तो बड़ा फिट है आज जानू। ओए अम्मी, मैं दोस्त से बात कर रहा था। दरवाजा बंद करो, आंधी आ रही है। आए मौसम रंगीले सुहाने, जिया नहीं माने। दरवाजा बंद करो। बेटा आंधी आ रही है। ये मामा कर दी खिड़की बंद। और ये ये तो डॉल हाउस, इसका भी दरवाजा बंद करो। रफिया ये दरवाजा लॉक है, खोलना, आंधी आ रही है। दरवाजा बंद करो।
यार रोड पे ध्यान दे, ख्याल कर। Shut up, dude. Don't you see, स्टोरी बना रहा हूँ। क्या मिलता है सब करके? What do you mean, क्या मिलता है? Aesthetics है bro. Looks cool. क्या मतलब cool? तुम्हारा क्या कमाल है? What do you mean? मतलब जानना जा रहा हूँ तुम्हारा thought process क्या है? क्या मतलब फिल्टर के साथ बारिश की स्टोरी डालोगे तो क्या होगा? मतलब देखने वाला गाड़ी का स्टेयरिंग देखेगा, फिल्टर के साथ बारिश और बैकग्राउंड में गाना होगा, तो क्या चाहता है अगला, क्या सोचे? बहुत कोई तू फिलोसोफर इंसान है या किसी जॉन विक की औलाद है? मतलब आउटकम क्या चाहता है इसका, क्या गेम प्लान है? नथिंग मच ब्रो, जस्ट अपडेट्स। डंप कार्डबोर्ड बॉक्स कंज्यूमर एनपीसी। व्हाटएवर। ओ हटो हटो जल्दी हटो, चलो भागो 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 भाई, आजो आजो जल्दी आजो, जल्दी 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 जल्दी। यार भाईजान। हाँ बोलो बोलो, जल्दी बोलो। भाग क्यों रहे हो? पागल है क्या? नजर नहीं आ रहा, बारिश लगी है तेज। हाँ तो भाग क्यों रहे हो? अभी गीले हो जाएंगे। गीले तो पहले ही हो चुके हो। हाँ लेकिन बाकी यार गीला तो हो ही चुका हूँ, यही तो, फिर भागने का क्या फायदा? पता नहीं। अबे यार अजीब पंचायत है, बारिश ना हो तो अजाब, बारिश हो जाए तो और अजाब। हेलो। हाँ किधर है? अबे आ रहे हूँ, थोड़ा टाइम लग जाएगा, बारिश लगी बड़ी है तेज। अबे भाई वक्त पे आ जाइयो, आज मीटिंग है बॉस से, प्रेजेंट करना है। हाँ हाँ आ रहा हूँ, बस गाड़ी में बैठने लगा हूँ। हेलो हेलो, किस्मत ही खराब है। हेलो। अबे यार तू हैंडल कर ले सिचुएशन, मैं आ रहा हूँ। चाचू चाचू। अबे क्या चाचू चाचू लगा रखे, मेरा कोई बड़ा भाई नहीं है और ना ही उसके कोई बच्चे। चाचू गाड़ी डूब गई है मेरी, लिफ्ट दे दो जोर तक। अच्छा तो ये तेरी गाड़ी है? अबे किसने कहा था पिलाट में खड़ी करने को? चाचू दे दो यार लिफ्ट, नौकरी का सवाल है। अच्छा अच्छा आजा वेट। अबे वो देख चलिए, अब पैरों में शापर बांधा है। अबे भाई आराम से चला, रोड स्लिपरी हो रही है, बाइक फिसल जाएगी। अबे टेंशन ना ले जानी। अबे ख्याल से आगे से ट्रक आ रहा है, दे दूं इसे नीचे। अबे क्या कर रहे, पैर नीचे कर। अबे क्या कर रहे है, सारा गंदा पानी मेरे पैरों पे आ गया। अबे तो तू भी बचाता ना पैर। अबे भाई बारिश ज्यादा हो रही है, साइड पे लगा ले। अच्छा अच्छा ठीक है, सबर कर, आगे ब्रिज आ रहा है उसके नीचे लगाता हूँ। अबे तुझे पता है एक भी बाइक फिसली ना सारे लगेंगे। अबे देख के लग गए। अबे वैसे खाली प्लाट में तो अंजुम साहब पार्क करते थे ना, तूने कहां से गाड़ी घुसा दी अपनी? चाचू यार बस किस्मत ही खराब थी। मुझे तो तेरी नीयत ज्यादा खराब लग रही है जी। अबे जब पता था अंजुम की जगह तो क्यों अपनी गाड़ी घुसा दी, तो ये बद्दुआ लगी है अंजुम की। चाचू कहीं और से ले जाओ गाड़ी, या पानी बहुत है। अबे चुप कर, यही रास्ता है, अगली गली में इससे ज्यादा पानी है, बाप को ना सिखा। चाचू पानी अंदर आ रहा है। अबे तो पैर ऊपर कर ले। चाचू फंसेगी गाड़ी। अबे पपीते के मुंह वाले मत्था झाड़ ना कर, चुप कर जा, मुझे टेंशन मत दे। चाचू रेस ना छोड़ना, गाड़ी बंद हो जाएगी। या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर। कोई नहीं स्विमिंग कर लो। अबे तेरी ना किस्मत ही खराब है, ये तुझमें ही लानत है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, टाइम देखा है आपने? सर बारिश देखो बार, बवाल मच रखा है, गाड़ी डूब गई है मेरी। ऐसी भी कौन सी बारिश हो गई? सर वो खाली प्लाट में गाड़ी खड़ी की थी उतराई पर, रात गए डूब गई। अब आप ये भी कह देंगे कश्ती से आए यहाँ तक? मैं वाकई कश्ती से आया हूँ सर। क्या? वो लोगों ने खाली प्लास्टिक के केन से कश्तियाँ बना रखी हैं, उसी पे सवारियाँ दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। आप क्यों लेट है? सर बारिश, बाइक पे आता हूँ ना। और सर झूठ बोल रहा है, ये तो वैन पे आता है, नींद पूरी करके आ रहा है। और अब चेन न्यूज़ पर वक्त हुआ जाता है मौसमियात का। चलते अपने रिपोर्टर कैसर थेबू की तरफ, जिन्होंने हमारे लिए बारिश पर एक खसूसी रिपोर्ट तैयार की है। ओवर टू यू कैसर। मुल्क भर में गरज चमक के साथ रिमझिम और मूसलाधार बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। वैसे तो बिजली की बहाली एक अनहोनी है, लेकिन अगर बिजली आ भी रही हो तो बारिश से पहले ही चली जाती है। कहीं घरों में बारिश का पानी घुसने से जिंदगी महाल हो गई, तो कहीं गटर का पानी उबलने से जिंदगी दुश्वार। कहीं ट्रैफिक का निजाम मुअत्तल होने के सबब लोगों ने अपनी मदद आप के तहत सड़कों पर कश्तियां चला दी, तो कहीं लोग खुद शलवारों में हवा भरे बहते पानी में तैरने लगे। मुल्क भर में बारिश के सबब छतें गिरने से 10 लोग हलाक और 12 जख्मी हुए। बच्चे दिन गटर के पानी को साफ समझकर इसमें गोता जन नजर आए। हुकूमत का बयान कि ये सब तबाही दुश्मन मुल्क की साजिश है और इसका जवाब हम दुनिया भर के सामने सबसे बड़े झंडे की सूरत में देंगे। बारिश के आते ही कौम पल भर में महंगाई अफलास और नाइंसाफी को भूल गई और मुल्क के छोटे बड़े शहरों में लोग पकौड़े समोसे खाने सड़कों पर निकल आए। जी मैं इस वक्त सदर के इलाके में मौजूद हूँ और यहाँ एक बहुत बड़ी तादाद में लोग समोसे पकौड़े खरीदने आए हैं, आइए इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी आप भी यहाँ समोसे पकौड़े खाने आए? जी जी जी। तो बारी आ गई आपकी? नहीं जी। कब से खड़े हो? जी मैं 2 घंटे से खड़ा हूँ। तो ये बारिश की वजह से आपको कोई मुश्किलात पेश आई? बहुत सर जी, पूरा घर डूबा हुआ है, पूरी गाड़ी तबाह हो गई है, बिजली भी नहीं आ रही। तो ये हर साल होता है? हर साल होता है। कभी आवाज उठाई हुकूमत कुछ करे? नहीं जी, क्या फायदा, आदत भी हो गई। तो हर साल इसी तरह पकौड़े खाने आ जाते हो? हाँ जी। हुकूमत से कुछ कहना चाहेंगे? जी बस यही कि थोड़ा आवाम का ख्याल करे, पकौड़े समोसों की दुकानों पर रश कुछ ज्यादा होने लगा है, तो इसका कुछ इंतजाम करे, इंतजार बड़ा करना पड़ता है। जी तो नाज़रीन जैसा कि आपने देखा मेरे ख्याल से यहाँ कुछ
कहने को बाकी रहा नहीं। कैसर थेबू को इजाजत दें। कैमरामैन यासिर चांडियो, जे न्यूज पाकिस्तान। नाज़रीन, वक्त जितना भी गुजर जाए बारिश की आवाज तो वही रहती है, और ये आवाज आज भी कानों पर पड़ने से जहन में वही बचपन के मनाजिर सामने आते हैं जो कभी एक हसीन जमाना थे। बारिश के पानी में वो कागज की नाव, रोड किनारे बहते पानी पर वो तैरती चप्पल, वो बारिश में कजन्स दोस्तों के साथ पूरा पूरा दिन साइकिलिंग करना, और सुबह बारिश में स्कूल से छुट्टी पर वो गर्म गर्म नाश्ता। मैं ये जो बार बार बचपन का जिक्र करता हूँ, ये इसलिए करता हूँ क्योंकि वक्त के तेज बहाव के सबब हम में से कई अपने अंदर के मासूम बच्चे को शायद भूल गए हैं। हमारे हसीन बचपन की ये यादें बारिश की इस धुन में दबी वो सदाएं देती हैं जिसे शायद हमें बस सुनने वाला बनना है। उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपको एक बार फिर पसंद आई। बाय द वे, पिछली शॉपिंग वाली वीडियो का एंडिंग पार्ट म्यूजिक कॉपीराइट इश्यूज की वजह से खराब हो गया था, तो उसे सेपरेटली ग्रेटिट्यूड के नाम से मैंने रीअपलोड कर दिया। इफ यू लाइक दिस शो, यू कैन आल्सो सपोर्ट इट ऑन पेट्रियन विद एज लो एज $1। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाकी आज के लिए शहरम को एक बार फिर इजाजत दें। मिलता हूँ अगली वीडियो में। अपनी दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।